चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों को देखेंगे। जयपुर पुलिस अब अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप तकनीक की मदद ले रही है। इस तकनीक के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों को इस तकनीक से जोड़कर बदमाशों की पहचान में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया सफल होने पर जयपुर कमिश्नरेट इन कैमरों की खरीद के लिए प्रस्ताव भी भेजेगा। एक खास रिपोर्ट देखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बचना मुश्किल, अपराध और अपराधियों पर लगेगी लगाम। जयपुर पुलिस का नवाचार, अपराधियों की पहचान हुई आसान। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। पुलिस ने करीब 3000 बदमाशों का डाटा तैयार कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों को भीड़भाड़ या बड़े मेलों और आयोजनों में लगाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत जन्माष्टमी के त्योहार पर इन कैमरों को मंदिर परिसर में इंस्टॉल किया गया था। जयपुर पुलिस का यह प्रयोग काफी सफल हुआ और इन कैमरों की मदद से पुलिस ने तकरीबन 13 बदमाशों के चेहरे पहचान कर उन्हें पकड़ भी लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई के मुताबिक राजस्थान में पहली बार जयपुर में इस तकनीक का उपयोग किया गया, जो काफी हद तक सफल रही। गणेश चतुर्थी और दीपावली के त्योहार पर भी इन कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्निशन ऐप के माध्यम से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के अंदर बदमाशों का जो डेटा अपलोड होता है उसके मार्फत बेसिकली फेस रिकॉग्निशन का मिलान होकर के बदमाश को पकड़ा जा सकता है। उस टेक्नोलॉजी को हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपने उदाहरण के तौर पे या एक्सपेरिमेंट के तौर पे गोविंद देव जी ने जन्माष्टमी के त्यौहार के दौरान में उसको परीक्षण किया था, तो उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। कई बदमाशों को उसने टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहचान की गई, जिनको पुलिस ने पकड़ा भी है। पुलिस अधिकारियों के माने तो इस तकनीक पर आधारित कैमरों को फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप से जोड़कर काम किया जा रहा। जयपुर पुलिस ने पहले बदमाशों का डेटा तैयार किया और अब उस डेटा को इस ऐप पर अपलोड कर दिया गया। ये डेटा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मिलान करता है और इस तकनीक के जरिए चंद सेकंड में पहचान कर बता देता है कि कैमरे की जद में आने वाले इंसान का चेहरा डेटा में मौजूद बदमाश के चेहरे से मिलान कर रहा है या नहीं। इतना ही नहीं, इस तकनीक के जरिए कैमरे के सामने से गुजरने वाले प्रत्येक इंसान की उम्र और लिंग का पता भी चल जाता है। इस ऐप में बदमाशों का चेहरा, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन समेत सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि पहले ट्रायल के बाद दूसरे ट्रायल में जयपुर रेंज, भरतपुर रेंज और कोटा रेंज के बदमाशों की डिटेल भी इस ऐप पर अपलोड की जाएगी। आने वाले समय में इसको बड़े आयोजनों में इसको दोबारा से परीक्षण के तौर पर हम काम में लेंगे। फिर आने वाले समय के अंदर बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए या अन्य इम्पोर्टेंट जो बेसिकली बड़े आयोजन हैं उसमें इनका यूज़ करते हैं, बदमाशों पे पुलिस काबू कर सकती है तकनीक के माध्यम से। इस पर बेसिकली आयुक्तालय विचार कर रहा है। देश के कई बड़े शहरों में पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में जयपुर में भी इस तकनीक का ट्रायल किया जा रहा है। इसके सफल होने पर गृह विभाग के जरिए पुलिस को एक कैमरे मिल जाएंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब जयपुर पुलिस भी इस तकनीक से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में कामयाब होगी। जयपुर पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के आधार पर फेस रिकॉग्नाइज कैमरों का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसका ट्रायल सबसे पहले जन्माष्टमी के मौके पर गोविंद देव जी मंदिर में किया गया। माना जा रहा है कि यह ट्रायल 65% सफल रहा है। अब इन कैमरों का ट्रायल मोती डूंगरी गणेश मंदिर में किया जाएगा। उसके बाद में आगामी आने वाली दीपावली के त्यौहार पर जयपुर शहर के बाज़ारों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ये तकनीक सफल रहती है, अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो जयपुर पुलिस इस तकनीक के आधार पर जो कैमरे हैं उनकी खरीद करेगी। मेरे सहयोगी संजय सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।